The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। बात करेंगे आज हम डोमेस्टिक वायलेंस, जी हाँ घर घुसी हिंसा, मतलब घर घुसी क्या होता है, हिंसा के बारे में, वायलेंस के बारे में। घर पे करो, बाहर करो, स्कूल पे करो, कहीं भी करो, अगर आपके साथ या आपके आसपास हिंसा हो रही है तो उसका असर आप पे पड़ेगा। अगर आप पे हो रही है तो आप पे ज़्यादा पड़ेगा, जिस पे होती है उसको विक्टिम बोलते हैं, विक्टिम पे ज़्यादा असर पड़ता है और ना सिर्फ विक्टिम, उसके आसपास की कम्युनिटी पे इफेक्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा गहरा इफेक्ट पड़ता है। और ये दोनों बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे, इम्पैक्ट ऑन यू एंड इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटी, आसपास के लोग, आसपास रहने वाले, आपके घर वाले, करने वाला, सब पे इफेक्ट पड़ता है एंड इट इज़ नॉट अ गुड इफेक्ट। सो आइए बात करते हैं क्या होता है। याद रखिए, इम्पैक्ट जो पड़ रहा है ये वायलेंस का पड़ रहा है, ठीक है। डांट देना वायलेंस में नहीं आता है, वायलेंटली डांटना एक अलग चीज हो जाती है, आउट ऑफ प्रोपोर्शंस जाना। सो एविडेंस बाय वर्च्यू ऑफ रिसर्च वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। एंड ये डायरेक्ट आ रहा है चाइल्ड वेलफेयर के गाइडलाइंस के थ्रू, जो उन्होंने बताया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो एविडेंस बताता है, अगर कोई इंटीमेट पार्टनर वायलेंस हो रहा है, जो इंटीमेट पार्टनर है, हस्बैंड को वायलेंस हस्बैंड करे या वाइफ करे, दोनों कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो ट्रॉमा से रिलेटेड लॉन्ग टर्म में मेंटल इलनेस और क्रोनिक इलनेसेस, मेंटल और क्रोनिक इलनेसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर इंटीमेट पार्टनर दिक्कत करते हैं। जस्ट लाइक इसमें जैसे फौजी लोग होते हैं, वो वॉर से बाद आते हैं तो उनको पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, कुछ जंग देखी है, खून खराबा देखा है, कुछ ऐसी चीज़ें देख ली हैं जो नहीं देखनी चाहिए थी, वैसी ये सारी चीज़ें जो है डोमेस्टिक वायलेंस आपके ऊपर वैसा इफेक्ट छोड़ जाती हैं, आपके ऊपर पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर काइंड ऑफ हो जाता है, आपके विक्टम के स्ट्रेस सब्सटेंस अब्यूज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्रोनिक हेल्थ कंडीशन, ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि स्ट्रेस हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ा देगा, शुगर लेवल बढ़ा रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगा, स्ट्रेस बढ़ा रहेगा, बीपी हार्ट रेट बढ़ा रहेगा, बीमारी होनी होनी। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, राइट। सो डोमेस्टिक वायलेंस इज एक तरीके से ये, फिर विक्टिम पे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आएगा, उनका अगर कोई करियर है, अगर वो पढ़ रहे हैं, बच्चे हैं, वो इंटीमेट पार्टनर है नहीं है फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई भी है, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनका करियर, उनका एजुकेशन, उनका उनकी सोचने समझने की शक्ति सब अफेक्ट होगी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी अफेक्ट होगी, पैसे कमाने की क्षमता कम होगी। दैट्स ट्रू, डोमेस्टिक वायलेंस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा या वायलेंस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर फिजिकल ट्रॉमा है, फिजिकल ट्रॉमा तो हमने गिना ही नहीं कि भाई चोट लगी, शरीर खराब हो रहा है, वो तो हमने गिना ही नहीं, वो है, वो भी है। डोमेस्टिक अब्यूज हो, वायलेंस हो, फिजिकल इंजरीज हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है कि भाई दिक्कत हो रही है तो खा रहे हैं, ज़्यादा खा ले रहे हैं, आइसक्रीम खा ले रहे हैं, कोप अप करने के लिए कुछ और खा ले रहे हैं, क्रोनिक पेन हो सकता है, साइकोसोमेटिक इलनेस, हमने ऑलरेडी समझाया था आपको, साइकोलॉजिकल बीमारी की वजह से बॉडी जो है वो पेन प्रोड्यूस करने लग जाती है, दोस काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन, ओके। फिर देर इज समथिंग कॉल्ड, ये जो चीज़ है ये आपको ही नहीं, आपके आसपास के लोगों को भी इफेक्ट करेगी, विक्टिम को तो फिजिकल और लिटरली, अगर फीमेल के साथ होता है, फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है, उसके बच्चा पैदा करने की क्षमता पे भी इफेक्ट होता है, दैट्स नॉट गुड। बॉडी इज अंडर स्ट्रेस, स्ट्रेसफुल बॉडी विल ट्राई टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ रैदर देन, उसके लिए वो क्या करेगी, ग्रोथ वो छोड़ो,
रिप्रोडक्शन छोड़ो, प्रोटेक्शन, शुगर लेवल होना चाहिए बॉडी में, तेजी होनी चाहिए, ऐसा वैसा, वो फिर हार्ट रेट बढ़ा के रखेगी, ऑल द एवरी टाइम बॉडी इज अंडर स्ट्रेस, लॉन्ग टाइम स्ट्रेस, लॉन्ग टाइम फिजिकल मेंटल स्ट्रेस, नॉट गुड, राइट। सो ये भी देखा गया कि रिलेशनशिप्स तो खराब हो ही रहे हैं, इवन इफ दो रिलेशनशिप नहीं है खराब, जिन पे वॉयलेंस नहीं है वो भी रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, राइट। आपका हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, माँ बाप के साथ रिलेशनशिप खराब हो रहा है, माँ बाप पूछ रहे हैं बता बताओ बताओ क्या हो रहा, तुम बता नहीं रहे, वट एवर इट इज, रिलेशनशिप खराब। ये बात होगी सारी विक्टम की, विक्टम के साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल, एजुकेशनल, रिलेशनशिप, सब जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। कम्युनिटी का क्या लेना देना, आसपास जो देख रहा है, जो सह रहा है, राइट। बच्चे जो अगर कोई देख रहे हैं तो उन लोगों पे बैड इफेक्ट आता है, एंटी सोशल बिहेवियर बढ़ जाता है, आगे चल के वॉयलेंस के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं, कम्युनिटी बेस्ड अगर कोई भी देख रहा है, आसपास की बातें सुन रहा है, तो उनके भी चांसेस, ऐसे होता है दुनिया में, हम भी ऐसे करेंगे, सेक्सुअल वॉयलेंसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, फिजिकल अब्यूज, गुस्से वाली बिहेवियर्स बढ़ जाते हैं। सो दिस इज द वेरी वेरी बिग इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, टेक्निकली क्रिमिनैलिटी बढ़ जाती है, क्रिमिनल बिहेवियर बढ़ जाता है, दैट्स नॉट गुड। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसा है, हेल्थ केयर का कॉस्ट बढ़ जाएगा, जो बार बार बीमार होगा, जो बार बार चोट लगेगी, वो दिक्कत बढ़ जाएगी, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो रहा है या फिर कोई भी किसी प्रकार का कोई वॉयलेंस हो रहा है, उसका ट्रॉमा, आगे आने वाली बीमारी का ट्रॉमा, सो ऑल द वे द इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज देयर, नॉट ओनली आपके घर में, आपके पूरे के पूरे पूरे कंट्री पे, यू माइट नॉट बी एक अच्छी, ऐसा ही अगर हर 10 में से दो घरों में ऐसा होगा तो 10% पीपल ऑफ इंडिया और मे बी 20% पीपल ऑफ इंडिया विल गेट रिड्यूस्ड इन देयर अर्निंग पोटेंशियल, सो द GDP विल फॉल फर्दर, व्हाटएवर, बट द पॉइंट इज इकोनॉमिक इम्पैक्ट आप पे भी है और पूरे दुनिया पे। डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट गुड, एंड ऐसे सर्विसेज हैं गवर्नमेंट के तरफ से जिसपे आप जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो करिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज कम्युनिकेशन, सो एंड अगर आपका नहीं किसी के साथ बनता है डोमेस्टिक वायलेंस या कोई भी वायलेंस हो रहा है, यू शुड नेवर बी अ पार्ट ऑफ दैट रिलेशनशिप, छोड़ दो, दैट इज द आइडिया। अगर नहीं बातचीत हो रही है, नहीं कनेक्ट हो रहा है, तो दैट इज द ओनली वे, एटलीस्ट डू इट टेम्पररीली, टेम्पररीली छोड़ो, ताकि यू अंडरस्टैंड कि छोड़ सकते हैं नहीं छोड़ सकते। कई लोगों का ये तो नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता, छोड़ तो सकते ही नहीं, है ना, पति परमेश्वर है, बच्चे हैं, बच्चे रुल जाएंगे, बच्चे बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी, एक हफ्ता तो छोड़ के देखो, एक हफ्ता अपने घर में जाके देखो, थोड़ा सा शांत होके देखो, रिलैक्स होके देखो, देर इज ऑलवेज अ वे, राइट। इट्स ऑल लाइक अ मैथ्स फॉर प्रॉब्लम, इट्स ऑल लाइक अ सिंपल, इट्स अ क्वेश्चन, राइट, इट्स अ प्रॉब्लम, उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये सबसे अच्छा चीज़ है, लाइफ के प्रॉब्लम्स के हमेशा मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं, एंड यू हैव टू चूज आपको क्या करना है, राइट। एंड द बेस्ट इज चीटिंग इज अलाउड, यू कैन आस्क एनीबडी, यू कैन आस्क एनीबडी, राइट, चीटिंग इज अलाउड। अच्छे से अच्छे इंसान को पूछ लो, एजुकेटेड डॉक्टर से पूछ लो, साइकोलॉजिस्ट से पूछ लो, साइकाइट्रिस्ट से पूछ लो, किसी से पूछना है पूछ लो, चीटिंग इज अलाउड टू पास द एग्जाम, ऑल यू नीड टू फाइंड इज द सॉल्यूशन, इट्स अ सॉल्यूशन, इट्स अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है सॉल्यूशन ढूंढना है। गाड़ी खराब होगी रास्ते में तो सर पटकते नहीं बैठोगे, अरे यार मेरी तो जिंदगी खराब होगी, मैं तो रोता हूँ, नहीं, यू विल ट्राई एंड फाइंड अ मैकेनिक, यू नो द सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन पता है कि एक मैकेनिक ढूंढना पड़ेगा, उसको फ़ोन करेंगे या वो आ जाएगा तो ठीक है, नहीं वो नहीं है तो दूसरा ऑप्शन भी है, किसी को रोकिए, किसी के साथ गाड़ी टो करवा लीजिए, सो है ना, दो चार ऑप्शंस ऑलवेज हैं, या ऑटो ले लीजिए वहाँ से, गाड़ी को वहाँ बंद करके छोड़ दीजिए, आपके ऊपर है, आपकी इमेजिनेशन आपका ऑप्शंस बढ़ा देगी। सेम वे प्रॉब्लम अगर आपके लाइफ में है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस है, चाहे कोई भी हो, उसके ऑप्शंस होते हैं, All you need to do is ask yourself, अगर खुद से नहीं निकल रहा, ask others, बस, and take a break. These two, three things अगर आप कर लेते हैं तो आप violence से भी बच जाओगे,
वॉयलेंस से भी बच जाओगे और वॉयलेंस से भी बच जाओ, ठीक है नहीं? सो देखिए द ऑब्जेक्टिव इज कि कुछ अच्छा सीखने को, कुछ तो सीखने को मिले. अगर कुछ सीखने को मिला है आपको तो फट से लाइक शेयर का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को. और कोई सवाल है तो ज़रूर लिखिए, हम कोशिश करते हैं जवाब देने की जो हो सके. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.